हेलो दोस्तों, वर्ल्ड कप का 10वां मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा। ये जो मैच है लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी गाना स्टेडियम में आज दोपहर को 2 बजे से स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में और कल जिस पिच पर मैच होने वाला है उस पिच के बारे में बात करेंगे और फिर इसके आधार पर आपको अपना टीम बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो क्विंटन डीकॉक और टेम्बा बबूमा ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आपको, और फिर इसके बाद नंबर 3 पे आएंगे वांडर डिडासन, नंबर 4 पे एडन मार्करम, और फिर इसके बाद आएंगे हेनरिक क्लासेन, और फिर इनके बाद डेविड मिलर, और फिर इसके बाद है मार्को जेनसेन, और फिर इसके बाद है गेराल कोएटजी, और फिर इनके बाद केशव महाराज हैं, और फिर लुंगी एंगेडी, और फिर इसके बाद है कगिसो रबाडा। तो हमारे हिसाब से साउथ अफ्रीका के लिए ये पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकते हैं। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर और मिचेल मार्स ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं आपको। फिर इसके बाद स्टीव स्मिथ आएंगे नंबर 3 पे, और फिर इसके बाद नंबर 4 पे मार्नस लबुचने, और फिर इसके बाद आएंगे मैक्स बेल, और फिर इसके बाद एलेक्स केरी, लेकिन इनका परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचों से सही नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि इनके जगह पर टी हेड या मार्कस स्टोइनिस या जोस इंग्लिस को खिलाया जाए। फिर इसके बाद बॉलर्स में देखें तो कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा और जोस हेजलवुड हैं। तो चलिए अब आपको इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीकन टीम के प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डीकॉक का रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने पिछले मैच में 100 बनाया था, फिर इसके पहले वाले मैच में 27 रन, फिर इसके पिछले वाले मैच में 45 रन, और फिर इसके पहले वाले मैच में 82 रन, और फिर इसके पहले वाले मैच में 45 रन। तो हमारे हिसाब से ये जो प्लेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इनका आप रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हो। फिर इसके बाद टेम्बा बबूमा की बात करें तो इनका पिछले मैच में स्कोर 5 रन था, फिर उसके पहले वाले मैच में 0, और फिर उसके पहले वाले मैच में 57 रन, और फिर उसके पहले वाले मैच में 46 रन, और फिर उसके पहले वाले मैच की बात करें तो उसमें 0 रन स्कोर किया था। और फिर इसके बाद बात करें वांडर डिडासन की, जो नंबर 3 पे आएंगे, तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। पिछले ही मैच में इन्होंने 108 रन बनाए थे, फिर इसके पहले वाले मैच में 30 रन, और फिर इसके पहले वाले मैच में 62 रन, 17 रन, 21 रन। तो इस हिसाब से इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है। फिर इसके बाद है एडन मार्करम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हो। पिछले ही मैच में इन्होंने सेंचुरी बनाया था 106 रन, और फिर उसके पहले वाले मैच में 93 रन, और फिर उसके पहले वाले मैच को छोड़ दें जो कि 8 रन है, उसके पहले वाले मैच में फिर सेंचुरी बनाया था 102 रन। तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी, और इनको आप कैप्टन या वीसी भी बना सकते हो अपनी टीम के लिए। फिर इसके बाद आएंगे हेनरिक क्लासेन, तो कल के जिस पिच पर मैच होने वाला है तो उस पिच पर इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर दोनों का। हेनरिक क्लासेन के रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका पिछले मैच में स्कोर 32 रन था, उसके पहले वाले मैच में 6 रन, और फिर उसके पहले वाले मैच में 174 यानी 174 रन बनाया था इन्होंने, और फिर उसके पहले वाले मैच में 0 रन, और फिर उसके पहले वाले मैच में 49 रन। फिर इसके बाद डेविड मिलर की बात करें तो डेविड मिलर का पिछले मैच में स्कोर 39 रन था, फिर इसके पहले वाले मैच में 63 रन, फिर उसके बाद में 82, फिर 8, फिर 49। तो डेविड मिलर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है अगर इनकी बैटिंग आती है तो। और फिर इसके बाद है मार्को जेनसन, जो कि ऑलराउंडर है, तो पिछले मैच में इन्होंने 2 विकेट के साथ 12 रन बनाए थे, फिर उसके पहले वाले मैच में 47 रन बनाया था, फिर उसके पहले वाले मैच में 1 विकेट, और इस मैच में इनका बैटिंग नहीं आया था, और फिर उसके पहले वाले मैच में 32 रन प्लस 0 विकेट, और फिर उसके पहले वाले मैच में 23 रन प्लस 1 विकेट। तो यहाँ पर हम आपको लगभग हर प्लेयर्स का पिछले 5 मैचों का परफॉर्मेंस बता रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। मार्को जेनसन के बाद जो प्लेयर हैं गेराल्ड कोएटजी करके हैं, तो इनका पिछला मैच में 3 विकेट था, और फिर इसके पहले वाले 2 मैच 0-0 विकेट, फिर उसके पहले वाले मैच में 4 विकेट, और फिर उसके पहले वाले मैच में 1 विकेट। फिर इसके बाद केशव महाराज की बात करें तो उसके पहले वाले मैच में 2 विकेट, फिर उसके पहले वाले मैच में 1 विकेट, फिर उसके पहले वाले मैच में 2 विकेट, और फिर इसके बाद लोंगी एंगेडी की बात करें तो 1 विकेट, 0, 4 विकेट, फिर 0। फिर इसके बाद कगिसो रबाडा की बात करें तो पिछले मैच में उन्होंने 2 विकेट लिया था, फिर उसके पहले वाले मैच में 3 विकेट, और फिर उसके पहले वाले मैच में 2 विकेट। तो कगिसो रबाडा भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, तो हमारे टीम में कगिसो रबाडा भी रहने वाले हैं, और आगे आपको बताने वाले हैं कि हमारे टीम में कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करें डेविड वार्नर की, तो पिछले मैच में इनका जो स्कोर था 41 रन था, फिर उसके पहले वाले मैच में 56 रन, 53 रन, 52 रन और 10 रन। फिर इसके बाद मिचेल मार्श की बात करें तो मिचेल मार्श का जो पिछले मैच में स्कोर रहा वो 0 रन, फिर उसके पहले वाले मैच में 96 रन, फिर उसके पहले वाले मैच में 4 रन, 71 और 6। फिर इसके बाद स्टीव स्मिथ की बात करें तो 46, 74, 0, 41। तो स्टीव स्मिथ भी
ठीक ठाक प्लेयर है, तो इसको भी हम लेने वाले हैं अपने टीम में, और डेविड वार्नर को भी। फिर इसके बाद माइनर लबुचने की बात करें तो ये भी अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंट प्लेयर है, पॉइंट देते रहेंगे आपको। पिछले मैच में इनका स्कोर था 27 रन, फिर इसके पहले वाले मैच में 72 रन, फिर 27 रन, फिर 39 रन, फिर उसके पहले वाले मैच में 44 रन। फिर इसके बाद है मैक्सवेल, जिनका स्कोर था 15 रन पिछले मैच में, +0 विकेट, बॉलिंग भी करवाया था इन्होंने। फिर उसके पहले वाले मैच में 5 रन स्कोर किया था इन्होंने, और 4 विकेट भी मिला था इनको। फिर इसके बाद है एलेक्स कैरी, जिनको आज शायद खिलाया नहीं जाए, इनके जगह पर टी हेड या मार्कस स्टोइनिस या जोस इंग्लिश को खिलाया जा सकता है। एलेक्स कैरी का पिछले मैच में स्कोर था 0, उसके पहले वाले मैच में 11, उसके पहले वाले मैच में 14, 2 और 19। फिर इसके बाद कैमरन ग्रीन की बात करें तो पिछले मैच में इनको 0 विकेट मिला था, फिर इसके पहले वाले मैच में 1 विकेट, फिर उसके पहले वाले मैच में 2 विकेट, फिर उसके पहले वाले मैच में 0 विकेट, फिर 1 विकेट। और बैटिंग में इनका पिछले 5 मैचों में कोई खास इनिंग रहा नहीं है। फिर इसके बाद बात करें कमिंस की, तो कमिंस का पिछले मैच में विकेट था 0, फिर उसके पहले वाले मैच में 1, फिर उसके पहले वाले मैच में 1 विकेट। फिर इसके बाद मिचेल स्टार्क की बात करें तो पिछले 2 मैचों में इन्हें 1-1 विकेट मिला था। फिर इसके बाद एडम जंपा की बात करें तो पिछले मैच में इनको 0 विकेट, फिर उसके पहले वाले मैच में 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। फिर इसके बाद हेजलवुड की बात करें तो पिछले मैच में इनको 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। तो ये प्लेयर इंपोर्टेड रहने वाला है हेजलवुड, तो हमारे टीम में हेजलवुड भी रहने वाला है। तो अब चलिए थोड़ा सा पिच के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पिच पर रिसेंटली कोई ओडीआई मैच हुआ नहीं है। इस पिच पर लास्ट ओडीआई मैच अक्टूबर 2022 में खेला गया था, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन बनाए थे, मैच 40 ओवर का ही हुआ था, तो 40 ओवर में 249 रन बनाए थे 4 विकेट पे, और इंडिया 40 ओवर में 240 रन ही बना पाए थे। इस तरह से साउथ अफ्रीका 9 रन से मैच जीत गया था। इस मैच में डीकॉक ने बनाए थे 48 रन, हेनरिक क्लासेन ने बनाए थे 74 रन, और डेविड मिलर ने बनाए थे 75 रन। और बॉलिंग में कगिसो रबाडा को 2 विकेट मिला था और लुंगी एंगिडी को 3 विकेट मिला था। तो पिच दोस्तों बैलेंस रहने वाला है, विकेट्स भी गिरेंगे और रन भी बनेंगे। इस पिच का एवरेज स्कोर है दोस्तों 223 रन, लेकिन रन इससे ज्यादा ही बनने की उम्मीद है। तो चलिए अब आपको हमारे टीम में कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमारी टीम में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुचने, फिर इसके बाद बॉलर में हेजलवुड, ये चारों प्लेयर पक्का रहने वाला है। फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक, एडन मार्क्रम, मार्को जेनसन, डेविड मिलर और कगिसो रबाडा, ये 5 प्लेयर पक्का रहने वाला है। इसके अलावा हम एक और प्लेयर लुंगी एंगिडी को चुन सकते हैं, और बाकी बचा एक प्लेयर, तो इस प्लेयर को हम टॉस होने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि किसको चुनना है। वैसे आप कौन कौन से प्लेयर को चुनने वाले हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए धन्यवाद।